नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स रिव्यू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत और आज हम रिव्यू करने वाले हैं TVS जुपिटर मिलियन आर एडिशन को। ये मिलियन आर एडिशन जब जुपिटर 10 लाख सेल्स क्रॉस कर गया था तब TVS ने इस स्कूटर को लॉन्च किया था। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि नॉर्मल जुपिटर से इसका क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें जो रॉयल वाइन कलर है, यानी कि आप पर्पल कलर भी कह सकते हैं, ये दिया गया है। पूरे जुपिटर में क्रोम फिनिशेस दिया गया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जुपिटर के एम्ब्लेम में। और जो मिरर्स है, इसमें तो मिरर्स नहीं है क्योंकि मिरर्स लगाया गया नहीं है। नॉर्मल जब लेंगे आप तब लगा देंगे, उसमें भी क्रोम फिनिशेस दिया गया है। और इसमें जो सीट्स है वो ड्यूल टोन सीट्स है। जब आप धूप में आपका स्कूटर पार्क करेंगे तब ये 10 डिग्रीज तक कम हीट इसमें लेगा और सीट गर्म कम होगा 10 डिग्रीज तक। और ये एंटी स्लिपरी सीट्स है ताकि आप जब ब्रेक अप्लाई करें तो आप सामने के तरफ स्किड ना कट जाए। और इसका जो बीच पैनल है, फ्लोर बीच पैनल, वो भी बस इसी कलर के साथ अवेलेबल है, यानी कि इसी एडिशन में अवेलेबल है। और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है कि सामने एक डिस्क ब्रेक दिया गया है 220mm का, जो कि बाकी सब जुपिटर में नहीं है। तो अब अगर इसका हेडलाइट को देखें तो ये 35x35W हैलोजन मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप हेडलैम्प है 12V का, और दो पायलट लैंप्स के साथ आता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है और पीछे आपका मोनोशॉक मिल जाएगा, गैस चार्ज शॉक अब्जर्वर। यहाँ पर आपको BS4 का एम्ब्लेम भी मिल जाता है। इसका जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी क्लियर लेंस टर्न इंडिकेटर्स है। इसका मीटर को अगर देखें तो इसका मीटर एनालॉग यूनिट है, इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सब कुछ दिया गया है। और एक इकोनॉमी और पावर इंडिकेटर भी दिया गया है ताकि आप जब इकोनॉमी में राइड करें आपका फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिले। वो ग्रीन जोन में अगर आप राइड करें तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी सबसे अच्छा मिलेगा। मैं जुपिटर का एक अलग से रिव्यू बना चुका हूँ, वो आप चैनल के ऊपर आता हुआ लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। ये मैं एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ। अब अगर आप पीछे आए तो ये क्रोम फिनिश जुपिटर ZX लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और पीछे जो इसका टेल लैंप है वो भी LED है, टर्न इंडिकेटर्स क्लियर लेंस है। इसके ब्रेक्स को अगर देखें तो पीछे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा और सामने 220mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। ये जो डिस्क ब्रेक है वो अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्क ब्रेक है 220mm का। अगर आप वेस्पा को भी देखें, वेस्पा का जो डिस्क ब्रेक है वो 200mm का है, ये जो डिस्क ब्रेक है वो इससे बड़ा है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग टैंक है, अगर आप बाहर से इसको खोल सकते हैं, वो मैं बाद में इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आप ये मॉडल को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखने में है, ये रॉयल वाइन कलर में। इसका जो ग्रैब रेल है वो सिल्वर कलर में है। तो आइए इसका अंडर सीट स्टोरेज देखते हैं। इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है वो 70 लीटर्स का स्टोरेज दिया गया है और एक मोबाइल चार्जिंग एक्सेसरी भी इसके साथ साथ आता है। इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है आप इजीली एक हेलमेट रख सकते हैं और फ्यूल फिलर कैप बाहर होने के वजह से आपको बार बार सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चाबी है इससे आप ये खोल सकते हैं। और इसका अगर फ्यूल फिलर कैप को देखें तो ये आप धक्का मार के ही ये इसको बंद कर सकते हैं। इसके टायर्स को अगर देखें तो 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स दोनों में यूज़ किया गया है, 90x90 फ्रंट में और 90x90 बैक में। इसके इंजन को अगर देखें, सबसे बड़ा बात जो है किसी भी गाड़ी में इंजन, तो ये 109.7cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो 8.2 PS का पावर जनरेट करता है एट 7500 RPM और 8 Nm टॉर्क जनरेट करता है एट 5500 RPM। इसका 0 to 60 किलो जो स्पीड है वो 7.2 सेकेंड्स में लगभग आ जाता है। बाकी इसका अगर सीट हाइट को देखें तो इसका सीट हाइट है 760mm जो कि सभी हाइट के राइडर्स के लिए ठीक ठाक है। ग्राउंड क्लियरेंस है 150mm जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से ठीक ठाक है। इसमें जो हुक्स दिया गया है, ये हुक्स दोनों हुक्स दिया, दो हुक्स दिया गया है। बाकी बहुत सारे स्कूटर्स में हम देखते हैं कि एक हुक्स देता है, दो हुक्स होने की वजह से आप ज़्यादा सामान इसमें कैरी करके ला सकते हैं। इसका जो व्हील बेस है वो भी अपने सेगमेंट में हाईएस्ट है जो कि 1275mm का है, तो ये आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छा देगा।
ऑल ब्लैक थीम इस बाइक में लगभग अप्लाई किया गया है, क्योंकि इसमें आपको ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक फुटरेस्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा है। इसमें एक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है ताकि आप जब किसी ढलान में आपका गाड़ी पार्क करे तो ये पार्किंग ब्रेक आप अप्लाई आप अगर रख दे तो आपका बाइक रोल नहीं करेगा। इसका जो ऑन रोड प्राइस कोलकाता है वो 69,240 रुपीज़ है। इसमें एक इजी सेंटर स्टैंड भी दिया गया है ताकि कोई भी आप लड़की हो लड़का हो कोई भी हो तो ये जो गाड़ी है वो आसानी से ये पार्क कर सकता है। इसमें एक शटर लॉक भी दिया गया है ताकि आपको आपका जो स्कूटर है वो आसानी से कोई चोरी ना कर सके, किसी भी चाबी से वो ना खोले। इसमें एक शटर लॉक दिया गया है। ये आपको बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, नॉर्मल जो जुपिटर है, लेकिन ये जो MillionR एडिशन है वो बस इसी कलर में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए बाइक या स्कूटर के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।